जय हिंद मेरे सभी साथियों को। दोस्तों मैं प्रिंस आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज यूपी पुलिस 49,568 के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। आज दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को कितने अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर फेल हुए हैं और कितने अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों पूरी न्यूज आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों साथ में बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपकी जो सेकेंड कट ऑफ है वो दोस्तों कब तक आने वाली है। तो प्लीज भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहां से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आज कितने अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर फिट पाए गए हैं और कितने अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर फेल हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये जो न्यूज सामने निकल कर आ रही है ये आ रही है दोस्तों कानपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ दोस्तों कानपुर डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है पुलिस भर्ती में 6 के थंब इम्प्रेशन नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो 6 विद्यार्थी हैं उनके यहाँ पर दोस्तों थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में चल रही पुलिस और पीएसी की सीधी भर्ती परीक्षा में बुधवार को मेडिकल के दौरान 60 अभ्यर्थी अनफिट पाए गए, वहीं 6 के थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो सका। इसके चलते वह बाहर हो गए। जोन के अलग अलग जनपदों से कुल 910 अभ्यर्थियों में से कुल 614 ही आए, जिनमें 548 ही मेडिकल में फिट पाए गए। जी दोस्तों 614 में से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 548 विद्यार्थी यहाँ पर दोस्तों फिट पाए गए हैं। और दोस्तों आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं इसमें से 60 विद्यार्थी दोस्तों अनफिट पाए गए हैं, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो दोस्तों कुछ लंबाई में यहाँ पर दो अनफिट पाए गए हैं, कुछ दोस्तों चेस्ट में और कुछ वजन में। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कुल 60 अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर अनफिट पाए गए हैं। यह जानकारी पुलिस भर्ती परीक्षा के नोडल अधिकारी व SP ट्रैफिक सुशील कुमार ने दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चारों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों आपकी जो 300 अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। जी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 910 - 614 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों यहाँ पर 294 के आसपास, 296 के आसपास दोस्तों यहाँ पर लिख करके आएगा। तो दोस्तों आप इसे 300 के आसपास ही समझ लीजिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक तिहाई जो बच्चे हैं दोस्तों यहाँ पर एबसेंट पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों एक तिहाई बच्चे यहाँ पर 1/3 दोस्तों यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर दोस्तों एबसेंट पाए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अपनी जो सेकेंड कट ऑफ है उसको दोस्तों यहाँ से आप चांस ज़्यादा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपके जो यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ का जो चांस है वो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर समझ सकते हैं जब 910 में से दोस्तों 614 ही बच्चे आएंगे तो लगभग दोस्तों यहां पर देख लीजिए 1/3 का दोस्तों यहां पर डाटा निकल के आ रहा है। और दोस्तों 1/3 से आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने अभ्यर्थी यहां पर एबसेंट पाए गए हैं। तो दोस्तों आप अपनी सेकेंड कट ऑफ की दोस्तों यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपकी सेकेंड कट ऑफ दोस्तों 100% यहाँ पर आने वाली है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि दोस्तों हमारे पास एक और जो न्यूज है वो सामने निकल कर आ रही है, उसको भी दोस्तों यहाँ से मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि उसमें दोस्तों क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह है वो न्यूज दोस्तों, आप इस न्यूज को भी यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब। जी हाँ दोस्तों आपके यहाँ पर जो रिक्त पद है उनका दोस्तों यहाँ पर ब्यौरा तलब हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ से अपनी जो सेकेंड कट ऑफ है उसके बारे में दोस्तों यहाँ से पढ़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों आपकी सेकेंड कट ऑफ के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 और 2018 में 18 की पुलिस कांस्टेबल भर्तियों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके जो रिक्त पद पाए गए हैं उनका दोस्तों अभी तक कोई ब्यौरा जो भर्ती जो यहाँ पर हाई कोर्ट है उसके पास दोस्तों अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। कोर्ट ने पूछा है कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में कितने ऐसे पद बचे हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों उसने दोस्तों यहाँ पर भर्ती बोर्ड से दोस्तों यहाँ पर ब्यौरा मांगा है कि हमें आप उन विद्यार्थियों के दोस्तों यहाँ पर जो विद्यार्थी एब्सेंट रहे हैं या दोस्तों जिनके यहाँ पर रिक्तियां पद है जो यहाँ पर रिक्त पद खाली है उनका हमें यहाँ पर ब्यौरा दीजिए। लेकिन दोस्तों भर्ती बोर्ड ने अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपकी दो भर्ती हो चुकी है, 41,520 और 49,568 की यहाँ पर आपकी दो भर्ती हो चुकी है। लेकिन दोस्तों भर्ती बोर्ड ने अभी तक हाई कोर्ट को दोस्तों कोई भी ब्यौरा यहां पर नहीं दिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं भर्ती बोर्ड यहां से अपना ब्यौरा जारी करेगा और उसमें दोस्तों जो रिक्त पद हैं उन पर दोस्तों आपके जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे और जिससे कि दोस्तों आपकी यहाँ पर जो सेकेंड कट ऑफ है वो 100% दोस्तों आपकी यहाँ पर जारी होने वाली है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए अपनी सेकेंड कट ऑफ को पाने के लिए। बस दोस्तों आप अपनी रेस पर ध्यान दीजिए, सेकेंड कट ऑफ दोस्तों आपकी बहुत जल्द आ जाएगी।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों मैं आपसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ लिख ली, कोर्ट ने पूछा है कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में कितने ऐसे पद बचे हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने, अजय प्रकाश मिश्र ने वे अन्य की याचिकाओं पर दिया गया है। जी दोस्तों, हाई कोर्ट में दोस्तों यहाँ पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी तरफ से दोस्तों हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से दोस्तों ये जवाब मांगा कि हमें आप उन जो पद खाली बचे हैं आपके पास उनका दोस्तों ब्यौरा दीजिए, जिससे कि वो जो पद हैं वो भरे जा सके। तो अब भर्ती बोर्ड उनका यहाँ पर ब्यौरा देगा। अब यहाँ पर आपकी जो सेकेंड कट ऑफ है यहाँ पर लगने वाली है, उसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं भाई। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो खबर है आप इसको भी दोस्तों जो बरेली न्यूज़पेपर है उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान.com पर। हिंदुस्तान.com पर जाकर बरेली न्यूज़पेपर में दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको ये खबर वहां पर मिल जाएगी। कोई पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कोई पुरानी खबर यहां पे मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप इस खबर को पूरी चाहते हैं तो आप बरेली न्यूज़पेपर पर जाइए, आपको ये खबर दोस्तों 8 पेज नंबर पर मिल जाएगी। 8वें पेज नंबर पर दोस्तों आपको ये खबर मिल जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ यहाँ से फोटो दिखा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर जो DUPST है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दोस्तों ये फोटो हमारे पास आ रहे हैं, आप दोस्तों इनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे विद्यार्थियों ने दोस्तों हमें ये फोटो अभी अभी दोस्तों सेंड किए हैं आज सुबह की। दोस्तों ये दोस्तों जो पेपर है, ये दोस्तों जो न्यूज है, यानी कि ये जो आपके सामने मैं आपको यहाँ पर जो फोटो दिखा रहा हूँ ये दोस्तों आज सुबह के ही है। जी हाँ दोस्तों, या आप इसे न्यूज मान लीजिए, चाहे दोस्तों आप इसे कोई फोटो वगैरह मान लीजिए। तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या कहा गया देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर डेट भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों डेट है यहाँ पर 12 दिसंबर 2019 की, और रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों आपका जो DUPST का है वो है 9 AM का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोस्तों दीवार पर छपा हुआ था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने दोस्तों हमें इसका फोटो यहाँ पर सेंड किया है व्हाट्सएप पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके जो पैनल नंबर है वो भी दिए गए हैं, ये देख लीजिए नीचे, और आपके यहाँ पर जो अनुक्रमांक है वो दोस्तों यहाँ पर भी लिखे गए हैं। तो किस पैनल में आपका अनुक्रमांक है वो भी है दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कितने पैनल है, नीचे 9 पैनल बनाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आप, 12 दिसंबर 2019 को यहाँ पर 9 पैनल बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये दोस्तों कहाँ किया ये पढ़ लीजिए आप, ये कानपुर यूपी की जो DUPST का दोस्तों यहाँ पर फोटो है। रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों ये कानपुर का है, ये देख लीजिए दोस्तों ये कानपुर का है। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों ये हमें किसने सेंड किया है, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, ये दोस्तों ये विद्यार्थियाँ देख लीजिए इनका फोटो, इन्होंने दोस्तों हमें ये सेंड किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए अभी गेट बंद है यहाँ पर कानपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इन्होंने दोस्तों हमें यहाँ पर ये सेंड किया है, ये देख लीजिए ये विद्यार्थी, इनका दोस्तों मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इन्होंने मुझे दोस्तों यहाँ पर एक फोटो सेंड किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ पर कानपुर का जो DUPST चल रहा है उसका यहाँ पर दोस्तों एक फोटो सेंड किया है, जिससे कि दोस्तों अगर आपका यहाँ पर DUPST नहीं हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर जो ये रिपोर्टिंग टाइम लगा हुआ था है वो आपको यहाँ पर दीवार पर ही चिपक चिपका मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रियल दोस्तों फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कोई दोस्तों अपनी तरफ से कोई फोटो नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।